बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल महफिल फूड पॉइंट। आप अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मखंडी हलवा है। ये शादियों वगैरह में स्पेशली बनाया जाता है और ये काफ़ी टाइम में बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में इसको बनाएंगे तो आप आराम से इसको अपने घर में भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है और जैसे शादियों में लोग खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया इसका और बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सूजी ली है, 1 कप सूजी है और तकरीबन 1.5 कप दूध था, उसमें मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो लिया था। 1 कप हम इसमें घी लेंगे, 1.5 कप हम इसमें चीनी लेंगे, 2 से 3 इलायचियाँ ली हैं मैंने और ये किशमिश और नारियल है। आप ड्राई फ्रूट में कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई को हमने गरम कर लिया, इसमें हमने चीनी ऐड कर दी है और 1/2 कप पानी इसमें डाल देंगे। आप चीनी इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप ली है। जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें घी ऐड कर देंगे। ज़्यादा घी के बगैर हलवे की बुनाई बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा घी ऐड करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं। देसी घी से इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। इलायची इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और कैरेमल जैसे इसका कलर हो जाएगा। हल्का सा ब्राउन कलर होने पे हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को आप 4 घंटे भी भिगो सकते हैं, बाज़ लोग इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगोते हैं। चीनी का कलर चेंज होने लग गया है, हल्की सी गोल्डन हो गई है, लेकिन हमने इसको हल्का ब्राउन कलर देना है। बहुत ज़्यादा हमने चीनी को काला नहीं करना वरना चीनी का टेस्ट कड़वा हो जाता है। जब ये ब्राउन कलर की होने लग जाएगी तो जो सूजी हमने दूध में भिगोई हुई है वो ऐड कर देंगे इसमें। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा हम तो मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। ये हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया है, अब इसमें सूजी ऐड कर देंगे। ये चीनी एक दफ़ा जमने लग जाएगी जब हम इसमें दूध और सूजी ऐड करेंगे, लेकिन बाद में ये मेल्ट हो जाएगी। ये अभी सफ़ेद रंग का लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसकी भुनाई करते जाएंगे तो इसका कलर डार्क होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा बहुत ज़्यादा दानेदार बने, जिसको दानेदार हलवा पसंद है, तो आप इसमें दूध कम ऐड करेंगे और सूजी ज़्यादा, तो फिर वो आपका हलवा बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगा और भी मज़े का बनेगा। जब ये हलवा भुन जाएगा अच्छी तरह तो सारा घी इसमें से निकल आएगा। अच्छी तरह हमने इसको घी के साथ भूनना है। ये देखिए थोड़ी देर भूनने के बाद इसका कलर चेंज होने लग गया और इसमें बहुत ज़्यादा घी निकल आया है। तो आप इसको भुनाई के बाद इसका घी निकाल भी सकते हैं।
आप कोई भी मीठा बना रहे हो तो उसमें आप ये घी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है, तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, अगर बादाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं या काजू वगैरह तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश और नारियल ऐड किया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। फिर इसको हम डिश आउट कर देंगे। जो इसमें साइड पे घी था वो हमने निकाल लिया है और हलवे को हमने डिश आउट कर दिया है। अगर आपको हमारी मखंडी हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, इससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारा चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।